रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसका यूनिट भी होता है, और एक जरूरी होता है करंट। ये सब दोनों अगर जरूरी रहेगा तो निकल जाएगा, अगर इसके बदले अगर ये नहीं रहेगा तो इसके बदले रेजिस्टेंस भी रहेगा तभी निकल जाएगा। तो देखिए बिजली बिल कैसे निकालते हैं, देखिए हमारा फॉर्मूला होता है एक होता है वी इक्वल टू आई। अब देखिए वी यहाँ पर हमारा दिया हुआ 220 और आई दिया है 0.6 और आर निकालना है, तो आर कैसे निकालेंगे तो इसको गुना भागा कर देंगे 220 बटा 0.6। अब इसको काट देंगे, एक जीरो चल जाएगा ऊपर। अब इसको आर इक्वल टू 2200 2200/6, मतलब हमारा आर इक्वल टू फाइनल निकल के आ रहा है 6 18 4 0 36 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
कि हमारा जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 366.66 निकल के आ रहा है, 66, तो इसको अप्रोक्स मान लेंगे 366.67 ओम। हम देखिए हमारा बिजली बिल, देखिए फॉर्मूला होता है P इक्वल टू होता है V इंटू आई, तो ये हमारा देखिए देखिए दिया हुआ V कितना दिया हुआ 220, आर इंटू आई कितना दिया हुआ 0.6, तो इसको हम गुना करेंगे तो फाइनली हमारा निकल के आ रहा है 220 इंटू 620 गुना करते हैं 0, 6 दुनी 12, 6 दुनी 12 13, फिर 0 0 0 0 2 3 1, और 1 अंक के बाद 0 तो 132, मतलब मेरे 132 निकल के आ रहा है, P इक्वल टू 132 वाट। अब देखिए जैसे हमारा टाइम दिया हुआ 3 घंटा, तो बिजली बिल निकालने के एक और फॉर्मूला स्टेप चलना होता है, जैसे होता है E इक्वल टू P इंटू टी। तो देखिए एनर्जी निकालने के लिए P हमारा कितना दिया हुआ है 132 निकल के आया, और टाइम दिया हुआ है 3 घंटा, तो 132 इसको गुना कर देंगे तो 3 दूनी 6 3 3 9 और 3 3 1 3, मतलब हमारा एनर्जी जो निकल के आया है वो 346 वाट निकल के आया है। देखिए जब हमारा एनर्जी निकला था हम इसको हमको किलोवाट में तोड़ना है, ये वाट में निकला एनर्जी था, वो किलोवाट में तोड़ने के लिए हमको इसे भाग देना होगा, 396/1000 से भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा 0.396 किलो वाट। अब देखिए हमारा बिजली बिल जो निकलता है वो अगर मान लेते हैं एक एक दिन में 3 ही घंटे चलता है कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए इन्वर्टर या फ्रिज या टीवी या मोबाइल, तो एक दिन का इतना वाट किलो वाट ले रहा है, तो 30 दिन का एक महीना निकालना था, कैसे निकालेंगे तो लिख देंगे कंज्यूम एनर्जी 1 डे, 1 डे का इतना निकल रहा है 0.396। अब यहाँ पर 30 डेज का निकालेंगे, तो 30 डेज का निकालने के लिए 30 डेज का निकालने के लिए गुना कर देंगे 0.396 × 30। अब देखिए हम इसको गुना करेंगे 6 3 18 9 3 27 28 3 9 और 1 10, मतलब जो हमारा फाइनली निकल, ये जो हमारा फाइनली टोटल 30 दिन का जो निकला है 11.88 किलोवाट निकला। अब इसको हम जैसे मान लेते हैं कोई भी जो लेता है बिजली बिल का जो रेट, एक यूनिट का मान लीजिए लेता होगा 5 रुपया, एक यूनिट का 5 रुपया, तो यहाँ पर कितना यूनिट निकला 11.88 निकला, तो 11.88 यूनिट का निकालने के लिए हमको सीधा सीधे गुना कर देना होगा 11.88 × 5, तो गुना कर देते 8 5 40 8 5 40 8 5 40 8 5 40 8 4 44, ये 4 हो जाएगा 8 5 40 8 5 40 8 4 44 5 1 5 8 4 9 और 5 1 5, मतलब जो हमारा फाइनली निकल के आ रहा है 59.40 रुपया निकल के आ रहा है, ये 5 रुपया लेते हैं एक यूनिट का 5 रुपया। तो इस तरह से आप किसी भी बिल का बिजली बिल निकाल सकते हैं, मान के चलिए इस पूरा 60 रुपया हो गया अप्रोक्स में।